जोधपुर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। चोर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं प्रतापनगर थाना इलाके के कमला नेहरू नगर में चोरों ने एक घर से 13 लाख से नकदी की चोरी की और मौके से फरार हो गए। इसके साथ ही चोर अपने साथ सोने के जेवर भी ले गए। बताया जा रहा है कि घर के मालिक मोहम्मद अंसारी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। 6-7 महीने बाद उनकी बेटी की शादी होनी थी, जिसको लेकर मोहम्मद ने कर्ज लेकर रुपए इकट्ठे किए थे, लेकिन चोरों ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मेरे घर से 13.5-14 लाख रुपए कैश की चोरी हुई है और एक जोड़ी बुंदे की चोरी हुई है। मेरी बीवी अपने पियर गई हुई थी, साथ में मेरी बच्ची भी गई थी। ये लगभग 6:30 बजे घर के ताला लगा के गए थे और अब जब वापस यहाँ पर 11:15 बजे लौटे तब मेरे घर का ताला टूटा हुआ था और घर का सामान पूरा बिखरा हुआ था। उसमें मेरे सारे पैसे जा चुके हैं। मेरे 6-7 महीने में मेरी बेटी की शादी की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। इस चक्कर में मैं थोड़ा थोड़ा घर के पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आवे। बैंक में रखा जाता है मगर मैं क्या लोगों से पैसे उधार डाला के रख रहा हूँ ताकि मेरे को कोई तकलीफ नहीं आवे। तो सुना आपने, बेटी की शादी के लिए कर्ज लेकर पैसे इकट्ठे किए, जेवर खरीदे, लेकिन चोर सब कुछ उड़ा ले गए। फिलहाल पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस में दे दी है, जिसके बाद से पुलिस मौके के मुआयना कर मामला दर्ज कर लिया है। मोहम्मद रेहान अंसारी, इन्होंने थाने पे आके एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 16/2/21 को शाम 6 बजे मैं परिवार सहित बाहर गए हुए थे। रात को 11 बजे आए तो मकान के ताले टूटे हुए मिले। अंदर जाकर सामान को चेक किया तो बच्ची की शादी के लिए कोई पैसे इकट्ठे किए हुए थे 14 लाख रुपये। वो कैश नकद है और एक कानों की झुमकी, ये गायब मिले, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और जिसका अनुसंधान जारी है। शहर में हर रोज चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। पुलिस की मुस्तैदी भी चोरों को पकड़ने में नाकाम हो रही है। बहरहाल इस मामले में अब पुलिस आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चोरी की इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब के सीटीवी राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।